तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बहुत आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो निकाली है, आपको शायद ही ऐसी वीडियो कहीं देखने को मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या ऑप्शन का भी फंडामेंटल होता है? जी हाँ, आप समझे नहीं होंगे बट मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो निफ्टी है, कोफॉर्ग है, सन फार्मा है, सन टीवी है, बीपीएल है, कोई स्टॉक है, इनके जो ऑप्शंस होते हैं क्या उसका भी फंडामेंटल होता है, हाँ या ना? तो सबसे पहले आप उसका आंसर समझ लो, उसका फंडामेंटल नहीं होता। ऑप्शन का फंडामेंटल सिर्फ उसकी ग्रीक्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग पर हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी प्रीमियम जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब हमारा स्टॉक को देखकर हमारा ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, जिस चीज़ का कोई मतलब समझ रहे हो ना, वही नहीं है उसका फंडामेंटल, तो उस चीज़ में ट्रेड क्यों करना? अब एग्जांपल ले लो, आपके सामने भी निफ्टी चल रहा है हमारा 14,700, इसका मई का फ्यूचर है। अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ निफ्टी को 14,700 CE निफ्टी 6 मई का, मैं वीकली का इसका ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि कल की एक्सपायरी के लिए। अब एक बात बताओ, जब ये 14,700 CE मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आप लोग इसे देख पा रहे हो ये ऊपर जा रहा है किस बेस पर जा रहा है भाई, यह नीचे जा रहा है क्यों जा रहा है, इसके पीछे का आप लोग लॉजिक समझ रहे हो। ये सीधा सा जा रहा है अपने निफ्टी को देखकर कि अगर हमारा CE बढ़ेगा, अगर हमारा निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, और हमारा निफ्टी अगर गिरेगा तो हमारा फिर पुट दौड़ेगा, उस केस में CE हमारा गिरेगा। एक बात बताओ, जब निफ्टी को ही कोई चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और उस चीज़ में हमें गैम्बलिंग क्यों करना? ये खासतौर पर वीडियो उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बट उन्हें उसका एडवांटेज तो दिख रहा है कि बस उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है, बट उसे उसके नुकसान नहीं नज़र आ रहे। आप सबको मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप सब मेरे फैमिली जैसे हो, मैंने आप लोगों को खूब समझाया, आप लोग ऑप्शंस करते हो, इंडेक्स वगैरह करते हो, बट जिस चीज़ का फंडामेंटल ही नहीं है, तो पहली चीज़ वो हुई ना गैम्बलिंग, खेल रहे हो ना वहाँ सट्टा, भाई सट्टा ही हुआ। आप मार्केट में आते हो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करके कोई स्टॉक लो, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, आप किसी उम्मीद के साथ हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हम सर्च करते हैं कोफॉर्ग का फ्यूचर, कोफॉर्ग कंपनी के बारे में देखो हम आराम से पढ़ सकते हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका वर्क है, इसका फंडामेंटल हम देखकर एक जान सकते हैं कंपनी डेब्ट फ्री है, तो हम इस स्टॉक को एक तरह से आज ले सकते हैं, कल हम इसे बेच सकते हैं। बट इसी केस में अगर अभी हम ऐड करते हैं 14,700 CE, तो देखो एरर आएगा निफ्टी, ओफो ये तो 14,700 CE निफ्टी आ ही नहीं रहा भाई, और आप लोग कर रहे हो ऑप्शन में ट्रेड, देखो ये क्या गेम है, मतलब ये सब क्यों मनाया गया? अच्छा देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, देखो 1 2 3 डन, कुछ आया नहीं आने का। मैं जब ही आप लोगों को समझाता हूँ, आप उस चीज़ में ट्रेड करो भाई जिस चीज़ का कुछ हो। अब देखो निफ्टी स्मॉल कैप आया कुछ, सब खाली पड़ा है, इसका अगर आया है तो। अब मान के चलो हमारा ये वाला कोफॉर्ग है, अब मैं कोफॉर्ग का इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ 2900 CE कोफॉर्ग, यानी कि मुझे लग रहा है कोफॉर्ग बढ़ेगा, तो आप लोग देखो मैंने इसका ये ऐड कर लिया, तो अब आप देख सकते हो जैसे ये ऑप्शन है, तो अब मैं आपके सामने से सर्च करने वाला हूँ। अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक तो करना है, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये देखो गायब, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, चलो नहीं आया कुछ भी। आप मुझे सीधा सा एक छोटा सा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जहाँ पर आप लोगों को पता है गड्ढा है, और वहाँ पर गड्ढा ही है, मतलब कितना भी कोशिश कर लो गिरोगे गड्ढे में ही, तो वो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए ना हमारे इंडियन मार्केट के अंदर से, बैन कर देना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को बैठे हैं खाने के लिए। स्टॉक मार्केट में 90% लोग बर्बाद इसी वजह से होता है, उसके दिमाग में भरा हुआ होता है लालच, उसे ये नज़र नहीं आता कि अगर वो महीने का 5% स्टॉक मार्केट से निकाल रहा है तो वो उसकी एक सेफ फ्री इनकम है, बट नहीं, उसे खेलना ऑप्शन ही है जिसका चाहे कोई फंडामेंटल ही नहीं होता। अभी आप लोगों के सामने देखो ये 2900 CE में इतनी देर से सर्च कर रहा हूँ, मिल जा भाई कोफॉर्ग, क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिला। अच्छा इसके बाद देखो शेयर देखते हैं, जैसे BPL हमने सेलेक्ट करा, इसके बारे में तुरंत आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं BPL फ्यूचर, ओफो ये क्या गेम है, तो कोई BPL का फ्यूचर भी नहीं मिला भाई हमें, व्हाट इज़ दिस, क्या हो रहा है ये? अच्छा BPL का शेयर हमने ऐड कर लिया, मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा लोगों को मैनिपुलेट करा जा रहा है। देखो कोफॉर्ग का मिल गया, अभी मैं सन फार्मा का ऐड करूँगा, सन फार्मा का फ्यूचर भी है, देखो आप सब देख सकते हो, इसका भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसका फ्यूचर अगर आप आसपास की प्रीमियम का देखोगे तो आपको 700 CE मिल जाएगा, उससे लेकर आप आराम से इसे ढूंढ सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ BPL के स्टॉक की, 30 CE BPL, तो देखो ज़ीरोधा में ही नहीं है वो,
को BPSL आ रहा है, BPL नहीं आ रहा, क्योंकि भाई BPL का वो ही नहीं है, इसका फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही नहीं है इसका। तो देखो ऐसा क्यों है, एक क्वेश्चन तो ये भी उठ कर आया ना भाई, BPL का है, कोफोर का है, सनफार्मा का, BPL का क्यों नहीं है? अब ऐसे शिल्पा मेडिकेयर है, उसका भी नहीं है। तो ये सब क्या होता है, एक सेलेक्टेड स्टॉक्स बनाती है अपने NSE BSE मिलकर सेबी के परमिशन के थ्रू, कि कौन कौन से स्टॉक्स हमारे बेस्ट हैं शेयर, उनको हमें फ्यूचर ग्रुप में शामिल करना चाहिए। बट मैं तो यही बोलूँगा सीधा सा, ये सब चीज़ें बैन हो जानी चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ बैन होनी चाहिए या चलते रहने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 500-1000% का रिटर्न है, लेकिन उसे सिर्फ लेते हैं 4% लोग, और वो भी लगातार नहीं ले सकते, वो भी मार्केट को पे ज़रूर करते हैं, एक अच्छे खासे लॉस में। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप नए हो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। जो आपको ऑप्शन के प्रॉफिट दिखा रहे हैं सारे फर्जी दिखा रहे हैं, वो अपने लास्ट वो 5 साल का उनसे PNL मांग लेना, सच बता रहा हूँ वो आज तक अपना लॉस भी कवर नहीं कर पाएंगे ओपन चैलेंज के साथ। मैं आपको यही बोलूँगा, देखो जब इस चीज़ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के सामने इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ कि भाई निफ्टी का मुझे 14800 CE मिल जा, चल PE मिल जा, देखो नहीं आ रहा कुछ भी, जिस चीज़ का फंडामेंटल नहीं है, जिस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको वो ट्रेडिंग क्यों करनी है? मेरा सबसे आप से बस यही क्वेश्चन है, यही मेरी आप लोगों को समझाना है कि प्लीज़ ओनली वो काम करो जिस चीज़ का कोई फंडामेंटल हो, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, उसका स्टॉक PE इतना चल रहा है, उसका प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। अभी हम कोफोर को लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं, रिलायंस को हम ज़िंदगी भर भी होल्ड रख सकते हैं, बट इसके ऑप्शन को ज़िंदगी भर होल्ड नहीं रख सकते। अगर आपका ऑप्शन डिके हो गया तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन से अच्छा है अगर आप लोगों को नॉलेज है, इक्विटी करो, सबसे बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद हो कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और पसंद आ रही होगी, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी मिलने का नहीं। मैंने सोचा कुछ हटकर बनाया जाए, तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने आपको आज एक खुलासा ही मान लो कि जिस चीज़ का कोई फंडामेंटल नहीं, आप उसमें ट्रेड मत करो, बेटर है आप स्टॉक सेलेक्शन करो, कुछ भी सनफार्मा वगैरह जो भी आपको पसंद आते हैं, और पसंद नहीं आते तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता ही रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आ रही हो, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।